बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नई सुबह और नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ आज आलू के समोसे। आलू वाले समोसे बनाने के लिए मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत है, पहले मैं आपको बताती जाऊँ कि मुझे कहीं से कॉल आई, जो मेरी बहुत अजीज़ी हैं, उन्होंने कहा कि बाज़ार जैसे समोसे बनाने सिखाएं। और समोसा पट्टी और वो सारा कुछ तो मैंने सिखाया था, वो छोटे वाले जो समोसे हैं, लेकिन ये जो बाज़ार के समोसे हैं वो मैं बनाना सिखा रही हूँ कि वो किस तरह बनते हैं। मेरे पास है एक किलो आलू थे जो कि मैंने बॉईल कर लिए हैं। देखें, इस तरह क्यूब्स काट लिए। बॉईल करने के बाद इसमें एक कप भर के इसमें पुदीना और सब्ज़ धनिया, हाफ हाफ कप हैं दोनों, पुदीना और सब्ज़ धनिया चॉप करके मैंने डाला है। एक किलो आलू हैं, तकरीबन 3-4 अंडे हैं मेरे पास, ये ऑप्शनल है, आप अंडे आपका दिल करे आप डालें, दिल ना करे तो आप ना डालें। और तकरीबन 4 से 5 मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं जो कि मैंने चॉप कर ली हैं, और एक प्याज है छोटा सा वो भी मैंने चॉप कर लिया है। और मसाले जो हैं वो मेरे पास है, 1/2 टीस्पून मेरे पास अजवाइन है, और तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मेरे पास लाल मिर्च है। लाल मिर्च आप अपने हसबे ज़ायका डालिएगा। और खुशक धनिया है मेरे पास 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ, और ज़ीरा है मेरे पास 1/2 टीस्पून, ये मैं मैदे में इसका इस्तेमाल करूँगी। ये तो हो गया, ये आलूओं की जो बनेगा इसकी हो गई। अच्छा जी, वो तो होगी पीठी की चीज़ें थी, वो तो होगी रेडी, जो फिलिंग हमने करनी है समोसों के अंदर वो वाली चीज़ें हो गई। अब मेरे पास है 1 kg मैदा, 1 किलो मैदा ले लें। आप अगर कम बनाना चाहते हैं तो आप 1/2 kg के बना लें, 1 पाव के बना लें। इसी तरह आप जो आलू हैं वो भी कम करते जाएं उसी हिसाब से, मसाले हैं वो कम करते जाएं उसी हिसाब से। और नमक है वो मैं थोड़ा सा 1/2 टीस्पून इसमें डालूंगी, और साथ तकरीबन मेरे पास घी, तकरीबन 1 पाव, ये देखें 1 पाव घी में डालूंगी। उससे इसकी जो पट्टी है वो बहुत क्रिस्पी बनेंगे इंशाल्लाह, ये बहुत मज़े के, बहुत ज़बरदस्त, आप खुद देखेंगे ये किस तरह के बनेंगे। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब मैंने पैन में मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल का डाला है। इसमें मैं प्याज डाल रही हूँ, प्याज को मैं बिल्कुल हल्का सा नरम करूँगी, ब्राउन नहीं मैंने करना। हल्का सा मैं इसको नरम करती हूँ प्याज को। अब इसमें सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी, बस मैं इनको हल्का सा फ्राई करती हूँ। बस समझ ली, जैसे कि तड़का टाइप होता है हल्का सा यही करना है। अब मैं ये सारी चीज़ें, चंद सेकंड हुए मैं ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर रही हूँ। नमक मिर्च मैंने पहले उसमें नहीं डाली, मैं आलूओं के साथ ही मिक्स कर लूँगी। चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ, बस प्याज को ही करना था हल्का सा नरम। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करती हूँ। चलो जी, अब मैं अंडे डाल रही हूँ, कि ना मैं आलू पका रही हूँ फ्राई कर रही हूँ, ना मैं अंडे पका रही हूँ, कुछ भी नहीं। इनको मैं बस, ये थोड़ा सा गर्म गर्म हो गए हैं, मैं इसी को मिक्स करती हूँ। मिक्स करके इसको मैं ठंडा करती हूँ, तब तक हम जाते हैं मैदे की तरफ, आटा गूंथते हैं। अच्छा जी, ये देखें नमक जो कि मैं भूल गई थी, जैसे कि मैं रोज़ाना भूल जाती हूँ कुछ ना कुछ डालना, इस तरह नमक को भी डालना मैं भूल गई। ये मैं नमक डाल रही हूँ, ये नमक इसलिए ज़्यादा डाल रही हूँ कि ये खुले पैकेट का नमक है। मैंने आपको बताया भी था कि मैं यहाँ से दूसरा नमक इस्तेमाल करती हूँ, पैकेट वाला नमक मैं इस्तेमाल नहीं करती। नमक हसबे ज़ायका डाल के मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करती हूँ, ये ठंडा हो जाए, पहले ही ठंडा ही है, तब तक मैं जाती हूँ मैदे की तैयार करती हूँ, 2 तैयार करते हैं। ये देखिए, अब मेरे पास मैदा है, मैदे में मैंने डाला है ज़ीरा, नज़र आ रहा है जो मैंने आपको बताया था, 1/2 टीस्पून मेरे पास ज़ीरा था, इसमें मैंने ज़ीरा डाला है। 1 टीस्पून मैं नमक डाल रही हूँ। अब मैं इन दोनों को मिक्स करती हूँ। आपने कम बनाने हो आप कम मैदा लें, आलू कम लें, ज़्यादा बनाने हो तो आप ज़्यादा मकदार इसी की ज़्यादा कर लें। नमक मिर्च जो है वो आप अपने हिसाब से डालें, जितनी कि आप खाना पसंद करते हैं। इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया। अब ये देखें मेरे पास जो घी है ये मैं डाल रही हूँ, सबसे पहले मैंने इसको मिक्स करना है। घी जितना ज़्यादा डालेंगे इसका जो बिस्किट है ना वो बहुत क्रिस्पी बनेगा।
अगर घी कम डालेंगे तो वो बिल्कुल ही खाने के काबिल नहीं, लीचड़ हो जाएगा। जैसे कि मैदा, मैदे की रोटी को आप कर लें, वो इतनी क्रिस्पी नहीं जैसे दिल खोल के घी का इस्तेमाल करें। सारा निकाल रही हूँ। अच्छा, मैं हाथों से इसको अच्छी तरह मस लूँगी पहले। अच्छा जी, ये देखें, ये बिल्कुल मैंने अच्छी तरह जो घी है उसको मसल ली है, मैदे के साथ एक जान कर दी है, ये देखें आपके सामने। अब मैं पानी इतना लूँगी जिससे मैं आटा गूँगी, जैसे कि हम आटा गूँधते हैं। स्विमिंग पूल नहीं बनाना, थोड़ा थोड़ा करके पानी बस डालना है। पहली दफ़ा जब मैंने आटा गूंदा था, मैंने स्विमिंग पूल बना दिया था। अच्छा जी, ये देखें, मैं इसको गूंदती जा रही हूँ, गूंदती जा रही हूँ। अब जाके इमाम ज़रा इसको पकड़ो, बर्तन को खुले बर्तन में मैंने इसको इसलिए डाला है ताकि मैं इसको बड़े आराम से गूंद सकूं। आप भी खुले बर्तन में डालिएगा। अब मैं ज़रा इसके साथ दो दो हाथ कर लूँ, अच्छी तरह दो दो हाथ करने हैं। डो को इतना पतला नहीं करना, डो इतनी हार्ड भी नहीं करनी कि अच्छी तरह हम लोग इसको बेल सकें। इस तरह की इसकी डो बनानी है। और मैं इसको ज़रा दो चार हाथ इसके मार लूँ इसके ऊपर, फिर मैं मिलती हूँ आपके साथ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जितने नए देखने वाले हैं, और प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और मैं थोड़ी सी कुश्ती कर लूँ इसके साथ। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह डो हो गई है रेडी, मैंने अच्छी तरह इसको गूंद लिया। ये देखें कितनी ये सॉफ्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसको करती हूँ साइड पे, इसको मैं 5-10 मिनट के लिए रख रही हूँ। गीला कपड़ा ऊपर देना है, कोई नैपकिन ले उसको गीला करें, उसको अच्छी तरह निचोड़ लें, उसको इसके ऊपर दें। गीला कपड़ा करके मैं इसके ऊपर देती हूँ। अच्छा, ये देखें कपड़ा मैंने गीला करके दिया हुआ था। अब मैं इसके बना रही हूँ पेड़े, 10 मिनट इसको रेस्ट देनी है। और ये देखें, समोसे के साइज़ का पेड़ा बनाएंगे। बड़ा समोसा बनाना है तो हम बड़ा पेड़ा बना लेंगे, छोटा समोसा बनाना है तो छोटा पेड़ा बना लेंगे। लेकिन हमने वो छोटी वाली जो समोसी, पट्टी समोसी होती है वो नहीं। ये देखें, इसी तरह मैं पेड़े बना के, जो पेड़े हैं वो भी मैं बनाऊँगी, उनके ऊपर भी मैं गीला कपड़ा दूंगी, या घी वाला हाथ लगा दूंगी, या गीला कपड़ा दूंगी। इस तरह नहीं रखिएगा, सारे जो हैं वो पेड़े हार्ड हो जाएंगे, ऊपर से वो नहीं अच्छे नहीं, समोसे अच्छे नहीं बनेंगे। तो अब मैं इसी तरह सारे समोसे बनाती हूँ, पेड़े बनाती हूँ मैं। अच्छा जी, ये देखें मेरे पास सिंपल मैदा है खुश्का, और पेड़े मैंने बना लिए थे आपके सामने। ये देखें, इस जगह पर मैदा छिड़कें, और ये देखें इसको मैं बेलती हूँ आपके सामने। बहुत बारीक नहीं इसको बेलना, समोसा जो है वो लटक जाएगा। खुश्का लगा के बेलना है इसको। जीरा का फ्लेवर बड़ा जबरदस्त आता है, जीरा जरूर डालिएगा इसमें। ये देखें, बस मैं इतनी सी ही पट्टी बना रही हूँ, और ये इतनी देखें, ये बारीक है, आपको नज़र आ रही होगी। इसकी मैं करती हूँ कटिंग, एक मिनट में चुड़ी पकड़ लूँ। चलिए, इसकी मैं कर रही हूँ दरमियान से कटिंग। इसको मैं उठा के एक प्लेट में रख रही हूँ। अब मैं आपके सामने बनाती हूँ। मेरे पास है पानी, और ये जो पट्टी है देखें हाथ पे, इस तरह मैं रखूँगी इसको। और पहले तो मैं लगाऊँगी पानी। ये सीधी पट्टी है बिल्कुल, मैंने देखें सीधी रखी है। मैं इसके हाफ साइड पे, ये हाफ साइड है बिल्कुल सीधी पट्टी आपके सामने, मैंने ये लगाया हल्का सा पानी। इसको मैं अब, ये देखें इसी तरह ये अंदर की तरफ हो गई, और मैं इसको मोल्ड करके ये कर रही हूँ। ये देखें, ये समोसा बन गया। अब इसमें फिलिंग करती हूँ मैं। समोसा पट्टी जो है उसका ज़रा और तरह बनता है, और इसका और तरह। ये देखें, इस तरह यहाँ से दबा दें,
और ये हो गया समोसा रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें इस तरह ये बना है। इसी तरह मैं दूसरा भी आपके सामने बनाती हूँ। ये देखें इसी तरह मैंने फिर पानी लगाया, पानी लगा के ये देखें इसको मैं ऐसे कर लेती हूँ अपने हाथ के ऊपर, ये इस तरह उल्टा करके। अच्छा बच्चियों के लिए भी मैं इजी बताती हूँ आपको कि बच्चियाँ किस तरह इजी घर में बताएं। इसकी मैं फिलिंग करती हूँ। अच्छा जी, जिन बच्चियों को नहीं समझ लग रही तो कोई मसला नहीं है, घर में समोसे खाए जाने हैं आप इजी हो के। ये देखें ये पहले पानी लगाएं, इसी को हम फोल्ड करते हैं। इतना सा मैंने पानी लगाया है, यहाँ पर मैं इसको रख रही हूँ। और ये देख मुझे कांटा पड़ा। ये देखें इस तरह थोड़ी सी इसकी कर लेते हैं हम डिज़ाइनिंग। ये उन बच्चियों के लिए जिनको मेरी समझ नहीं लग रही, समोसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इतना मुश्किल नहीं। ये देखें इधर भी बेशक कर दें। ये देखें ये इतना खूबसूरत, ये भी इतनी ज़बरदस्त इसकी बन गई है। ये शेप इस तरह भी कर सकती हैं। और ये देखें ये जो है इसके अंदर भी हम फिलिंग करते हैं, इसको छोटा सा कर लेते हैं। ये जो डो है ये बहुत ज़बरदस्त और क्रिस्पी बनती है। ये भी देखें तो कौन सी, ये देखें इसको इस तरह भी बना सकते हैं। यानी कि बच्चियां बनाएं ज़रूर, इंशाल्लाह ताला वो समोसा भी बना लेंगी और इस तरह भी अगर तकोन बनाएं तो तब भी माशाल्लाह इतने खूबसूरत बनते हैं समोसे, ट्राई ज़रूर करें। तो चलें इनको अब फ्राई करते हैं। सारे मैंने इसी तरह बना लिए हैं। अच्छा जी, ये देखें मैंने एक और, मैं जा रही थी फ्राई करने लेकिन मैं सोचा आपको नमक वारे बनाने भी सिखाऊं। ये देखें इसको थोड़ा सा मैंने मोटा बेला है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं। इसको बेल के इसके नमक वारे बहुत मज़े के बनते हैं, यकीन करें। बाहर बारिश हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन बारिश हो रही है, और बारिश में फिर बरसात में पकौड़े समोसे चलते हैं घरों में और बड़े ज़बरदस्त बाज़ार से लाने पड़ते हैं, लेकिन बाज़ार के और घर के में बहुत फ़र्क होता है। ये देखें इसकी मैं कटिंग करती हूँ इस तरह। ये हो गए, इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्का करूँगी। और ये देखें ये जब मैं कढ़ाई में डालूँगी तो ये बिल्कुल अलहदा अलहदा होंगे और ये बड़े मज़े के बनेंगे। कोई बेकिंग पाउडर, कोई सोडा, कोई कुछ नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊँगी कि ये कितने ज़बरदस्त, कितने मज़े के और क्रिस्पी ये बनते हैं नमक पारे। तो चलिए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं, फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये देखें कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया। मैंने आपको बताया कि मैं सरसों का तेल इस्तेमाल करती हूँ, आप ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्राई करने के लिए। अब मैं इसको चेक कर रही हूँ, ये बस मैं इतनी आंच पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह समोसे इसमें रख, ये देखें हल्के हल्के बबल है। मैंने इसको दरमियानी आँच पर समोसे बनाने हैं, मैंने तेज़ आँच पर समोसे नहीं बनाने, मैं सारे समोसे रखती हूँ। अच्छा जी, मैंने इनकी साइड चेंज की है, चेक करते रहना है, गोल्डन ब्राउन करना है इन्हें हमने इंशाल्लाह। देखिएगा कितने क्रिस्पी और कितने मज़े के बनते हैं। सावन का मौसम और गर्मा गर्म समोसे, ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। मैं क्लोज करके भी दिखाती हूँ, ये देखें ये बहुत ज़बरदस्त से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। मैं इनको डिस आउट करती हूँ, फिर नमक पारे फ्राई करते हैं। अच्छा जी, अब मैंने आंच हल्की कर ली है क्योंकि मैं नमक पारे फ्राई करने जा रही हूँ। ये देखें बिस्मिल्लाह, हाथ बचा के चलो। ये देखो कैसे माशाल्लाह ये फूल गए अल्हम्दुलिल्लाह, अलहदा अलहदा हो गए हैं। इसीलिए इसके ऊपर खुश्का मैंने डाला था मैदा, ये देखें बिल्कुल अलहदा अलहदा चिपके नहीं है। आप बनाते ही फौरी तौर पे खुश्का डाल दें। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त से खिलके आपके सामने, एक साइड होती है गोल्डन तो दूसरी साइड चेंज करते हैं। ये देखें मैंने साइड चेंज की है अल्हम्दुलिल्लाह, एक साइड से लाइट गोल्डन हो गए हैं, दूसरी साइड से भी होते हैं। और देखें कितने खूबसूरत ये माशाल्लाह लग रहे हैं। आँच मैंने बहुत धीमी भी नहीं की हुई और मीडियम भी नहीं की, दरमियान में मैंने रखी हुई है आँच, तो उसी आँच में मैं इसको बनाऊँगी, ये ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह नमक पारे भी हो गए थे रेडी। ये देखें
ये कितने माशाल्लाह, ये देखिए क्रिस्पी। नहीं तो अगर आप इनमें घी नहीं डालेंगे तो आप बड़ी मेहनत से लीचड़ हुए हुए आप कैसे तोड़ेंगे। ये देखिए इतने माशाल्लाह ये कुरकुरे बने, इतने ज़बरदस्त। इसी तरह ये देखिए समोसे की पट्टी भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये मिनटों में, इसी तरह जिस तरह मैंने बताया इसी तरह अगर आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके समोसे बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। और बाकी नमक मिर्च का हिसाब आप अपने हिसाब से कीजिएगा कि जितने घर वाले खाते हैं इसी के अंदर आप कीमे की फिलिंग कर सकते हैं, चिकन डाल सकते हैं आप, वेजिटेबल डाल सकते हैं, चीज़ डाल सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है आप इसकी फिलिंग किस तरह की बनाएं। तो चलें मुझे इसी के साथ इजाज़त दें, इंशाल्लाह ताला नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।